बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया। ऐसे में सभी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेता लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। चिराग पासवान ने आज ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। बिहार के मुख्यमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहार रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सबके सबको मानो सांप सूंघ लिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बीते दिनों ही कहा था कि पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, नीतीश कुमार का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। अमित शाह के कह देने के बाद भी LJP बिहार चुनाव में NDA का हिस्सा नहीं है, इस पर नीतीश कुमार को तसल्ली नहीं हुई। अभी और प्रमाण पत्र चाहिए। पीएम मोदी का स्वागत है, लेकिन जब पीएम मोदी की बिहार में सभा हुई तो पीएम मोदी ने चिराग पासवान के खिलाफ कुछ नहीं बोला, सिर्फ रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि और पुराना दोस्त बताया, जिसके बाद चिराग पासवान ने उनको धन्यवाद दिया।